उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के विशाल मल्होत्रा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग करते हुए कहा कि हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि व्यापारियों के हित के लिए दुकानें खुलवाई जाए। विशाल मल्होत्रा ने कहा कि बरेली को 5 जोन में बांट दिया जाए जिससे व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना व्यापार कर सके। अगर व्यापार करने की जल्दी अनुमति नहीं मिली तो व्यापारियों का करोड़ों रुपए का माल बर्बाद हो जाएगा। लॉकडाउन में व्यापारी लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएंगे तो लोगों की मदद कैसे कर पाएंगे। क्या मामला है जो डीएम साहब के आए? देखिए, ऐसा है कि कोविड-19 ये एक ऐसी बीमारी हो गई है कि जिसको अब साथ रहने लेकर हमें जीने की आदत डालनी चाहिए। शासन प्रशासन हमें सोशल डिस्टेंसिंग खूब अच्छी तरीके से पढ़ा चुका, सारी बात समझ में आ चुकी। अब दिक्कत ये है कि व्यापारी वर्ग से अपेक्षा करता है शासन प्रशासन कि व्यापारी वर्ग समाज की सेवा करे, जो कर भी रहा है। तन मन और धन से व्यापारी लगा हुआ है, लोगों को भोजन कराना, लोगों की मदद करना, दाल चावल आटा बांटना सब काम कर रहा है, अपने कर्मचारियों को वेतन भी दे रहा है। लेकिन आखिर कब तक? जब हम व्यापार ही नहीं कर पाएंगे, हमारा व्यापार ही नहीं खुल पाएगा, तो हम कब तक किसी को बैठ के खिला पाएंगे? तो आज स्थिति ये हो गई है कि हमारी शासन से मांग ये है, प्रशासन से मांग ये है कि जिस तरीके से और शहरों में भाई लॉकडाउन का पालन हमारा व्यापारी करेगा, अब आज की तारीख में समझ लीजिए जैसे खिलौने वाले हैं, उनके यहाँ 25-25, 30-30 लाख के गुब्बारे आज की तारीख में स्टॉक और डंप करे हुए पड़े हुए हैं। अब वो जो एक महीने बाद खराब हो जाएंगे, क्योंकि 3 महीने का टाइम होता है, अगर उनको अनुमति दे दी जाए कि वो अपने अंदर पैकिंग करके डिस्पैच कर सकें दूसरे जिलों में रिटेलर्स को। इसी तरीके से हमारे मिठाई वाले हैं, ठीक है आपने मिठाई पे प्रतिबंध लगा रखा मान लिया, लेकिन वो कॉन्फेक्शनरी भी है, वहाँ से बिस्किट्स भी बिकते हैं, वहाँ से रस भी बिकते हैं। भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जो है करवाया जाए और इनको अनुमति दी जाए। हम ये कहते हैं आप बरेली को जोन में बांट दीजिए, 4 जोन में बांट दीजिए, 5 जोन में बांट दीजिए, 1 जोन में कोई दुकानें खुलवा दीजिए, दूसरे जोन में कोई दुकानें खुलवा दीजिए। इस तरीके से व्यापार भी चलता रहेगा और लोगों का काम भी चलता रहेगा। तो हमारी केवल प्रशासन से यही मांग है कि सारा व्यापारी वर्ग अब बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है। स्थिति ये हो चुकी है कि अब व्यापारियों को भी खाने के लाले पड़ने लगे हैं, तो इसलिए सरकार को और प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। अब कोविड-19 हमारे बरेली में तो मेरे ख्याल से कोई भी मरीज रहा नहीं है, और रहा भी है, अगर रहता भी है, WHO कहता है कि अभी 2 साल तक जो है कोविड-19 रहना है, तो 2 साल तक रहना, तो हमें रहना सीखना होगा, व्यापार भी करना सीखना होगा।